मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि यदि आपके भी पौधों में मिली बग्स लग गए हैं तो उससे हम छुटकारा किस तरह से पाएं। केवल 3 मिनट में आप मिली बग्स से छुटकारा पा सकते हैं, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। सफ़ेद चिपचिपे से कीड़े होते हैं दोस्तों, जो कि हमारे पौधों के स्टेम पर बिल्कुल लग जाते हैं, चिपक से जाते हैं और धीरे धीरे हमारे पौधों के सभी पोषक तत्वों को चूसते जाते हैं। इससे हमारा पौधा कमज़ोर भी हो जाता है, पत्तियाँ पीली पड़ के सिकुड़ने लगती हैं, टूटने लगती हैं और हमारा पौधा ठीक तरह से सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बता रही हूँ दोस्तों। यदि पौधे हमने लगाए हैं तो हमें उनकी केयर तो करना ही पड़ती है। खासकर बारिश के मौसम में पौधों में कीड़े बहुत ही जल्दी लग जाते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में धूप भी कम निकलती है। अगर हमारे पौधे धूप में रहते हैं, सनलाइट मिलती है दोस्तों, तो कीड़े लगने का डर कुछ हद तक कम हो जाता है। परंतु बारिश में कीड़े बहुत ही तेज़ी से लग जाते हैं और फैल जाते हैं। आप देख रहे हैं, मैंने भी इस बगिये में जो पौधे लगाए हैं, मेरे कुछ पौधों की पत्तियाँ बिल्कुल पीली पड़ गई हैं और उसमें बारीक बारीक से छेद हो गए हैं। इसके अलावा कई, जैसे टमाटर के पौधे हैं, उनकी टहनियों में आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा आपको मिली बग्स दिखाई देंगे। और यदि हमने स्टार्टिंग में ही इन पर कंट्रोल कर लिया तो ये जो मिली बग्स हैं, सफ़ेद चिपचिपे से जो कीड़े हैं दोस्तों, वो हमारे पौधों में फैलने नहीं पाते हैं, नहीं तो एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुंच जाते हैं। तो मैंने अभी इतने सारे जो पौधे लगाए हैं दोस्तों, कई पौधे तो मेरे बहुत हेल्दी हैं, परंतु एक दो ये जो बेल है मेरी तरोई की, गिलकी की जो बेल है, इसमें ज़रूर मुझे एक दो जगह मिली बग्स दिखाई देने लगे हैं। तो समय से पहले ही हम इन्हें कंट्रोल में ले लें, ताकि ज़्यादा, जितने ज़्यादा ये पौधे लगें, जहाँ जहाँ ये बेल चल रही है वहाँ वहाँ के सभी पौधों को नहीं तो ये अपने संक्रमण में ले लेगी। तो ये देखिए, बेसिल लगाया दोस्तों, लगाया तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी थी, परंतु अभी बारिश इतनी हुई है यहाँ पर, इसके कारण कई पत्तियाँ जो हैं इसकी मुड़ने लगी हैं। मिर्च का पौधा भी देख सकते हैं, एक दो पौधे तो बहुत हेल्दी हैं, परंतु एक दो पौधों में लीफ कर्ल का रोग लग गया है, पत्तियाँ थोड़ी सी मुड़ने लगी हैं। मिर्ची तो बहुत ही हेल्दी है, ये वाला प्लांट मेरा बहुत हेल्दी है, पूरे समय मैं इसे धूप में रखती हूँ, परंतु कुछ पौधों में आपको सफ़ेद सफ़ेद से धब्बे दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, खासकर इनके स्टेम के पास। ये भिंडी का पौधा है दोस्तों, जिसमें कम से कम 15 से 20 भिंडियाँ लगी हैं। 4 से 5 भिंडी तो हम लोग रोज़ ही तोड़ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन अगर लगे रहने देते हैं दोस्तों तो फिर बहुत ही हार्ड हो जाती हैं और खाने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो मिली बग से हम तुरंत ही छुटकारा कैसे पाएं, इसके लिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीका बता रही हूँ, घरेलू उपाय है। आपको कोई भी केमिकल वाले पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं करना है दोस्तों। 1 लीटर पानी लिया है, साथ ही यहाँ पर मैंने लिया केरोसिन ऑयल। दोस्तों, केरोसिन ऑयल, जिसे बहुत से लोग मिट्टी का तेल भी बोलते हैं, घासलेट भी बोलते हैं, आपको केवल 4 बूंद लेना है। 1 लीटर पानी में 4 ड्रॉप्स आपको केरोसिन ऑयल का डालना है, और साथ ही साथ केरोसिन ऑयल है भाई, ये पानी में तो डिसॉल्व होगा नहीं, इसलिए आप इसमें 1 से 2 बूंद कोई भी डिश वॉश भी डाल सकते हैं, ताकि जो तेल है वो पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसलिए 1 से 2 बूंद कोई भी डिश वॉश डालें, जिससे आप बर्तन साफ करते हैं, नहीं तो 1 चुटकी कोई डिटर्जेंट पाउडर भी डाल सकते हैं, और इसका फिर आपको करना है स्प्रे अपने पौधों पर। तो ये जो मैंने आपको स्प्रे की बोतल दिखाई है, इसमें 1 लीटर पानी डाल दिया है, 2 बूंद डिश वॉश का डाला है, और ये जो हमारा केरोसिन ऑयल है दोस्तों, केवल 4 बूंद आपको डालना है, और बस इसे डालकर आप 5-6 घंटे ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद ही आपको अपने पौधों पर इसका स्प्रे करना है। बिल्कुल मैजिक के जैसा है दोस्तों, इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर आप सोचेंगे दोस्तों, अरे हम तो डायरेक्ट केरोसिन का स्प्रे कर देते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर आप डायरेक्ट केरोसिन का स्प्रे करेंगे तो आपके पौधे जल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। आपको केवल 4 बूंद लेना है, वो भी पानी में मिलाकर डाइल्यूट करना है, 2 बूंद डिश वॉश के साथ, जिससे कि तेल अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। खूब अच्छी तरह से इसे शेक कर लें। 4-5 घंटे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, सुबह बनाया था, शाम के 5 बजे की शूटिंग है, और बस जहाँ जहाँ आपको लगता है, जैसे ये पपीते का आप देख रहे हैं दोस्तों, खासकर इनके स्टेम में बहुत तेज़ी से मिली बग्स लग जाते हैं, और यदि मैं अभी इन पर कंट्रोल नहीं करूँगी, ये देखिए सफ़ेद आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा, ये शुरुआत है दोस्तों, और ख़ासकर बारिश में ये जल्दी लगते हैं, तो आप इसे स्प्रे करें, और कुछ देर बाद आप आकर देखेंगे ना दोस्तों, तो आपको ये जो मिली बग्स है वो नीचे ज़मीन पर गिरे हुए दिखाई देंगे। बस
इस तरह से यदि आपने कंट्रोल पा लिया तो आपके सभी पौधे हेल्दी रहेंगे, सभी पौधे बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करेंगे, फ्रूटिंग करेंगे। तो टमाटर का पौधा इस बगिया में इस बार दोस्तों मैंने स्वीट कॉर्न लगाया है, हरा धनिया लगाया है, टमाटर लगाया है, पपीते का पौधा लगाया है, साथ ही साथ ये जो गिलकी का पौधा है, तरोई का, बस इसमें थोड़े कीड़े ज़्यादा लग रहे हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है ये मिली बग्स एक बार के स्प्रे में ठीक नहीं हुए हैं तो आप 4 से 5 दिन में वापस इस पानी का, केरोसिन ऑयल और जो पानी का हमने स्प्रे तैयार किया है, आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। वैसे तो बाज़ार में दोस्तों मिली बग्स या जो भी हमारे पौधों में वायरस लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, वायरस का संक्रमण हो जाता है, उसे दूर करने के लिए तरह तरह के केमिकल वाले पेस्टिसाइड आते हैं, परंतु हमें केमिकल वाले पेस्टिसाइड का छिड़काव कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हम सभी हमारी खाने वाली सब्जियां हैं दोस्तों। तो कोशिश करें जो हमारी सब्जियां जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं उनमें कभी भी आप केमिकल के जो पेस्टिसाइड है उनका छिड़काव ना करें, घर पर ही हम स्प्रे तैयार करें। तो मैंने आसपास मिट्टी में भी थोड़ा सा स्प्रे कर दिया दोस्तों, ताकि मिट्टी में की ये ब्रोकली है दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ब्रोकली आ रही है, अभी तो ये बहुत ही हेल्दी है, परंतु इसके आसपास जो मैंने बेसिल और अजवाइन लीव प्लांट लगाया है उसके 2-1 पत्तों में मुझे कीड़े दिखाई दिए हैं, इसलिए मैंने यहाँ भी स्प्रे कर दिया है। तो इस तरह से यदि हम केयर करेंगे दोस्तों तो हमारे पौधे लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। ये छोटी छोटी बेसिल हैं दोस्तों, बेसिल प्लांट लगाया है जिसे मैंने बीजों से लगाया है, इसका वीडियो अभी प्रोसेसिंग में है, गिलोय आप देख सकते हैं 3 से 4 बार मैंने गिलोय के वीडियो शेयर किए हैं। मिर्च का पौधा है, मिर्च के पौधे में भी बहुत ही जल्दी वायरस का संक्रमण हो जाता है, लीफ कर्ल का रोग लग जाता है। तो घर पर ही इस तरह से यदि हम देखभाल करेंगे, अपना घर पर ही ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड को बनाएंगे दोस्तों, तो कुछ हद तक हम समस्याओं पर काबू पा सकते हैं और ये जो मिलीबग की समस्या है कुछ हद तक के दूर हो जाएगी। आपको लगता है अभी एक बार थोड़ा सा और कहीं मुझे टहनी में दिख रहा है तो मैं 4 से 5 दिन बाद फिर से इसी पानी का स्प्रे करूँगी। तो इस तरह से आप भी अपने पौधों की देखभाल करें और वायरस के संक्रमण से बचाएं, मिली बग से बचाएं, या फिर हमारे पौधों में जो रोग लग जाता है लीफ कर्ल का रोग, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, पत्तियां पीली पड़कर मुड़कर टूटने लगती हैं या पत्तियों में छेद हो जाते हैं, ये सभी समस्याएं हमारी दूर होंगी। और साथ ही साथ दोस्तों मान लीजिए आपके पौधों में मान लीजिए चींटियां लग गई हैं, कई बार मेरे व्यूअर्स पूछते हैं कि पौधों में चींटी लग गई, मिट्टी में चींटी भी इस स्प्रे से दूर भागेगी, क्योंकि केरोसिन ऑयल की गंध बहुत तेज होती है, चींटी इसे सहन नहीं करती और चींटी भी भाग जाएगी। हो सकता है जो एनिमल से भी परेशान है जैसे गिलहरी चूहे, तो इस स्प्रे से शायद चूहे और गिलहरी भी भाग जाएं, चींटियां तो 100% दूर हो जाती हैं, ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है। तो इस तरह से पौधों को बचाएं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।